ये इस्लामोफोबिया क्या है? बड़ा आजकल न्यूज़ में, डिबेट वेट में आजकल बात होती है। सर, इस्लामोफोबिया को मेनली इस्लाम से रिलेटेड करके देखा जाता है, क्योंकि सर एक धारणा बन गई है कि इस्लाम के लोग ज़्यादा कट्टर होते हैं, तो इस्लाम को लेके जो कट्टरता है, उसको लेके जो भय बना हुआ है लोगों में, उसी को इस्लाम फोबिया कहा जाता है। जैसे सर आतंकवाद है, जैसे लश्कर ए तैयबा, जैसे मोहम्मद, ये सारे संगठन हैं, इनके जो सरगना है वो इस्लाम से बिलोंग करते हैं, तो इसी को इस्लाम फोबिया कहा गया है। दूसरी तरफ ये हिंदुत्व की बात होती है, अब इसका जो काउंटर पार्ट है, कोई आर्ग्यू करे तो वो ये कहेगा कि देखो ये जो है हिंदूज बहुत ज़्यादा एक्टिव होते जा रहे हैं, मिलिटेंट होते जा रहे हैं, एग्रेसिव होते जा रहे हैं, तो सो कॉल्ड हिंदुत्व की बात हो रही है, इस्लामोफोबिया की बात हो रही है। आपको लगता नहीं कि देश जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है? सर, लोगों के जीवन में धर्म एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है, सब अपने अपने धर्म को लेके सचेत होते हैं, लेकिन जब वही चीज़ें धर्म को लेके लोग ज़्यादा कम्युनल हो जाते हैं या धर्म को ही अपनी एकमात्र पहचान मानने लगते हैं, तो ये बातें आ जाती हैं कि हिंदू तो उभर रहा है या ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं ये तो नहीं कहूँगी सर कि देश धर्म को लेके ज़्यादा मतलब डेस्परेट हो रहा है, लेकिन ऐसा है कि धर्म को लेके होना नहीं चाहिए। तो स्थिति अभी कंट्रोल में है या खराब होती जा रही है? क्योंकि ये रामनवमी में देखिए कितने रॉयट्स हुए। हाँ सर, पहले तो नहीं हुए थे इस तरीके से, किसी का एक त्यौहार पे इतना ज़्यादा जो है वो वायलेंस हो रहा है, JNU में वायलेंस हो रहा है। अब JNU में वो रामनवमी के दिन जो है स्टूडेंट्स कह रहे हैं हम पूजा करेंगे, उन्होंने कहा हम नॉनवेज खाएंगे। ये ऐसे तो हर चीज़ पे कन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा। सर, इसका एक कारण सर सहिष्णुता की कमी हो सकती है, लोग जब ज़्यादा टॉलरेंस को महत्व नहीं देते हैं, हर रिलीजन को सर अपने तरीके से जीने का अधिकार होना चाहिए, और सर एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए धार्मिक भावनाओं का। तो क्या करे बताओ, देश को क्या करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सर, एक तो कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो सर, दूसरा सर जागरूकता फैलाई जाए, जैसे सर एजुकेशन और इन सब से सर ऐसी कमेटियां बनाई जाए, अमन कमेटी, जिनमें हिंदू भी शामिल हों, मुस्लिम्स भी शामिल हों, कैंपेन चलाए जाएं। इससे फ़र्क पड़ सकता है? सर पड़ सकता है मुझे लगता है। ओके, थोड़ा हालांकि डिफिकल्ट है, बट आप गॉड में विश्वास करती हैं? You believe in God? Yes, sir. आपको लगता है God है? सर, मेरा मानना है कि है। किस फॉर्म में आप पूजा करती होंगी? Yes. मंदिर जाती होंगी? सर, कभी कभी। तो आपको कैसे मतलब क्या लगता है, ह्यूमन फॉर्म में गॉड है, कैसे है, आपने कभी सोचा होगा इस? सर, मुझे ऐसा लगता है कि पावर है बस, जो सर हमें मोटिवेट करती है कि हमेशा अच्छे काम करने हैं। Okay, you believe in supreme power. Yes, sir. But you don't believe in God, जो कि human form में है सर, जो goddess form में हो, या कोई कृष्ण या इस तरह का कोई figure नहीं। तो you think कि God is a some kind of a supreme power जो पूरी humanity को देखती है? Okay. एक मेरा सवाल है, सिंपल सा है। पानी देखा होगा तो देख लो, पानी गीला क्यों होता है? सर, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है। नहीं, लिक्विड तो उसका इंग्लिश हो गया बस। लिक्विड फॉर्म में क्यों होता है सर? भाई गीला क्यों होता है? सर, जिस टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी की फॉर्म लिक्विड है, तो इसलिए क्यों है? सर, जिस टेम्परेचर पे पानी लिक्विड होता है, उस टेम्परेचर पे जो वेपराइजेशन और सब्लिमेशन की पावर्स हैं, वो एक दूसरे को इक्वेट कर देती हैं, इस वजह से शायद। चलिए सोचिएगा,